सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी क्रिकेट जगत की सभी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज को लगभग 90% तो अपने नाम कर ही लिया है। आपको बता दें कि सीरीज के दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीता। इसके बाद इस सीरीज में भारतीय टीम अब 1-0 की बढ़त से आगे चल रही है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा रिव्यू देते हैं दूसरे T20 मुकाबले का। यह मुकाबला खेला गया इंदौर के मैदान में। टॉस जीतकर कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यहां पर श्रीलंका की टीम की शुरुआत ज्यादा बेहतरीन रही। अभी 5 ओवर भी नहीं हुए थे और श्रीलंका की टीम का स्कोर 40 के पार जा चुका था, लेकिन फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपना दमखम दिखाया और श्रीलंका की टीम के सभी बड़े विकेट काफी जल्दी निकाल लिए। इसके चलते श्रीलंकाई टीम जो कि 13 ओवर तक 100 के पार पहुंच चुकी थी, वह चाहकर भी 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर महज 142 रन ही बना पाई। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में उनके लिए 143 रनों का लक्ष्य कुछ ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं। ऐसे ही भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो वैसा ही हुआ जैसा भारतीय टीम के फैंस ने सोचा था। KL राहुल व शिखर धवन ने बेहद ही विस्फोटक शुरुआत भारतीय टीम को दिलाई। KL राहुल ने महज 32 गेंदों में 45 तो वहीं शिखर धवन ने 29 गेंदों में 32 रनों की एक तूफानी पारी खेल दी। टीम का स्कोर अब 70 के पार जा चुका था। अब क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान विराट कोहली व श्रेयस अय्यर। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए बेहद ही उम्दा पार्टनरशिप जुटाई। कप्तान विराट कोहली तो 17 गेंदों में ही 40 रनों तक पहुंच चुके थे, वहीं दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी अपनी पारी में 26 गेंदों का सामना करके 34 रन जुटा चुके थे। लेकिन दोस्तों, श्रेयस अय्यर की पारी के दौरान एक खास वाक्य भी देखने को मिला, इसका जिक्र आज हम इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकाबले के दौरान श्रेयस अय्यर ज्यादा ही अच्छी फॉर्म में दिखे और उन्होंने एक ऐसा छक्का जड़ दिया कि गेंद मैदान के ही बाहर चली गई। पूरा वाक्य है पारी के 16वें ओवर का। इस दौरान गेंदबाजी करा रहे थे श्रीलंका की टीम के स्पिनर गेंदबाज हंस रंगा। पहले से ही श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 2 शानदार चौके जड़ चुके थे और अब श्रेयस अय्यर का विकेट लेने के लिए गेंदबाज ने 6ठी गेंद को बेहद ही स्लो डिलीवरी में तब्दील कर दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर तो जैसे इस गेंद को खेलने के लिए तैयार ही खड़े थे। श्रेयस अय्यर ने अपने कदम आगे बढ़ाए और लेग साइड की तरफ से कितना जोरदार शॉट खेला कि गेंद देखते ही देखते स्टैंड्स के ऊपर सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। दोस्तों, यह छक्का श्रेयस अय्यर के करियर में अब तक उनके द्वारा लगाया गया सबसे लंबा छक्का है, जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर के ऊपर थी। ऐसी बात है कि दूसरे T20 मैच का भी यह सबसे लंबा छक्का था। श्रेयस अय्यर ने कुछ इसी तरीके से इस मुकाबले में 26 गेंदों में 24 रनों की एक बेहद ही तूफानी पारी खेली, जिसके अंदर उन्होंने चौके और छक्कों की भरमार कर दी थी। दोस्तों, श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का 4th नंबर का परफेक्ट बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है। इस बात के भी 100% आसार हैं कि साल 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रेयस अय्यर ही वह दावेदार होंगे जो कि 4th नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सही खिलाड़ी हैं या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।